नमस्कार डॉफ्रेंड में आपका स्वागत है बाकी देशों की तुलना में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट इतने आम क्यों हैं और आ, पाकिस्तान में कंप्लीट ब्रेकडाउन की स्थिति में भारत पर आ, सबसे रियलिस्टिक प्रभाव किस तरह का पड़ेगा पिछले हफ्ते आपने हमें ऐसे ढेर सारे सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम आपके ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे शो पे जिसे हम कहते हैं संकट सुरक्षा और स्वामी मैं पूर्वा मंधानी और मेरे साथ हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडिटर प्रवीण स्वामी नमस्कार प्रवीण जी चलिए शुरुआत करें आज की अब चूंकि हम इस विषय को काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी हमने इस पर बातचीत की है इस समय अगर सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बता पाएं कि सबसे लेटेस्ट इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है अपूर्वा रोज पी टी आई इमरान मतलब इमरान खान के पार्टी के सीनियर लीडर बहुत वरिष्ठ जो उनके साथ टिके रहे हैं सारे दिन रोज पार्टी छोड़ रहे हैं शरीन मजारी जो इनकी मिनिस्टर थी बहुत जानी मानी नेशनल सिक्योरिटी सर्कल्स में स्कॉलर भी रही हैं वो पार्टी छोड़ गई फवाद चौधरी जैसे जो बिल्कुल इमरान के लॉयलिस्ट माने जाते थे कटर लॉयलिस्ट वो पार्टी को छोड़ गए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये पार्टी अपनी मर्जी से नहीं छोड़ रहे हैं फ़ौज के दबाव के वजह छोड़ रहे हैं आ, लोगों का कहना है कि आईएसआई ने और आ, पाकिस्तान की खुफिया सर्विसेज़ ने बहुत ज़्यादा दबाव पर्सनल दबाव इमरान खान की पार्टी पे लगाया है अच्छा इमरान खान आ, कल एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पे भी आ, डाले गए आ, वैसे कि ये लग नहीं रहा था कि वो एग्ज़िट करना चाह रहे थे शायद पाकिस्तान की फ़ौज का मसला वही है एग्जिट कर लेते तो ये पूरा तमाशा ना चल रहा होता और इस सब के बीच देश की हालत भी बिगड़े जा रही है दहशतगर्द हमले हो रहे हैं दाम बढ़े जा रहे हैं तो सिचुएशन बहुत ही इस वक्त अस्थिर है जी जी आपने अभी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट की बात की इस पर एक सवाल आया हुआ है इमरान पूछ रहे हैं कि इमरान खान को नो फ्लाई लिस्ट में क्यों डाला गया है ये मेरे ख्याल से सरकार के साइड से हल्का सा इशारा है आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ जब थे तो उनको भी इसी एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पे डाला गया था जब वो निकाले जा रहे थे और शायद इमरान खान को ये इशारा दिया जा रहा है कि अगर वो अब गुड बॉय नहीं बन जाते जी। तो जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था कि वो बहुत वक्त जेल में बंद रखे गए फिर देश से निकाल दिए गए कि वही उनके साथ किया जाएगा Uh, मेरे ख्याल से रियलिटी लेकिन ये है कि अगर इमरान खान को देश छोड़ना होता तो बहुत पहले छोड़ गए होते और शायद मसला फ़ौज के लिए और सरकार के लिए यही है कि ये छोड़ के भाग नहीं रहा है जी. Uh, तो अब आगे देखते हैं इमरान खान ये लेटेस्ट धमकी से डरता है uh, कि और आगे कॉन्फ्रेंटेशन की ओर बढ़ता हैं अगला सवाल संकल्पकार है जो कि हमारे मेंबर हैं वो बोल रहे हैं कि पंडितों के एक सेक्शन ने पाकिस्तान के राजनीतिक प्लस आर्थिक एक्सप्लोजन से पैदा हुई शरणार्थी संकट की चेतावनी दी है वो बोल रहे मेरे लिए ये मानना मुश्किल है सबसे पहले श्रीलंका इसी तरह की घटना से गुजरा फिर भी इससे शरणार्थी संकट पैदा नहीं हुआ दूसरा इस बात की बहुत कम संभावना है कि वर्तमान जो सरकार है वो पाकिस्तान के शरणार्थियों को शरण देगी दूसरा डर न्यूक्स के गलत हाथों में जाने का है जो फार लगता है वो बोल रहे हैं क्योंकि ऑपरेटिंग क्षमता कुछ ही लोगों के पास होती है अब वो बोल रहे हैं पाकिस्तान के कंप्लीट ब्रेकडाउन की स्थिति में भारत पर सबसे वास्तविक या रियलिस्टिक प्रभाव क्या है हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की अपने सर पर बंदूक रखने और ब्लैकमेल करने की रणनीति अब काम नहीं आ रही है <laughs> बात आपकी सही है पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो रहा है पुराना टैक्टिक रहा है और पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया को यह धमकी दी है Uh, कि अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे हमें ये आर्थिक खड्डे से नहीं निकालेंगे uh, तो यहाँ के हो जाएगा मेल्ट हो जाएगा और न्यूक्लियर वेपन्स लूज़ हो जाएंगे uh, लेकिन मेरे ख्याल से रियलिस्टिक या नॉट रियलिस्टिक की बात नहीं है प्लानिंग के वक्त सरकारों को ये सोचना है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और अगर वो चीज़ें हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए जैसे इसी वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें वो अपने देश भर के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और इसका डिस्कशन करते हैं कि अगर एक्सट्रीम न्यूक्लियर सिनारी कुछ हो जाए तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और उनमें ये भी होता है कि किसी बड़े शहर पे रशिया का 100 मेगाटन का वॉरहेड गिरे तो मतलब कैसे रिएक्ट करेंगे Uh, कई सिनारी uh, uh, वो डिस्कस करते हैं और इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि अगले साल में कुछ हो जाने वाला है लेकिन क्योंकि वो समझते हैं कि रियल वर्ल्ड बहुत अनप्रडिक्टेबल जगह है और इवेंचुअलिटीज़ के लिए प्रिपेयर करना होता है जहाँ तक शरणार्थियों की बात है हाँ प्रॉब्ली पाकिस्तान में आर्थिक केस भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा शरणार्थी शायद नहीं आ पाएंगे सरकार आने नहीं देगी Uh, लेकिन डेफिनेटली ये भी देखना होगा कि जैसे इस वक्त ईरान अफग़ानिस्तान से शरणार्थियों को रोकने की कोशिश आ, बहुत कर रहा है, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा सिंपली uh, बिकॉज इतने सारे लोग वहाँ uh, बेकारी के हालत में अफगानिस्तान में पड़े हुए हैं uh, कोई रास्ता निकाल के लोग निकल जाते हैं uh, इंडिया में ही हमने देखा है कि जबकि बांग्लादेश के बॉर्डर पे बहुत फेंसिंग हुई है बहुत बड़े बड़े दरिए हैं फिर भी लोग आ जाते हैं तो ये डेफिनेटली प्रिपेयर करनी इस पॉसिबिलिटी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक के या लॉन्ग टर्म मेल्कडाउन हो जाए जी। तो भारत पे उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं तो जैसे आपने मेंशन किया शरणार्थियों का एक है दूसरा मेरे ख्याल से डर किसी को ये नहीं है कि कोई एटम बम कराची के किसी एयरबेस से चुरा के फिर भारत पे चला देगा या ऐसे कुछ होगा लेकिन डेफिनेटली फियर है कि अगर आर्मी टूट जाए और देश के अलग अलग हिस्सों में फैक्शन बन जाए आ, या आर्मी के अंदर कुछ स्प्लिट आ, या स्प्लिंटर ग्रुप्स आ जाए तो आ, हो सकता है कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स न्यूक्लियर वेपन्स पे कब्जा कर ले आ, ये कहा जाता है कि एक बार जॉन कैनेट गैलब्रेट जो अमेरिका के दूतावास राजदूत थे यहाँ बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट भी थे तो उनको किसी ने कहा कि देखो जी कोई सेम मैन कभी न्यूक्लियर वॉर की बात नहीं करेगा पाकिस्तान में क्योंकि उनको पता है कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे तो वो भी जहन्नुम जाएंगे जी। तो ये कोई नहीं करेगा और उनने जवाब ये दिया बिल्कुल कोई नहीं करेगा जब तक कोई पागल आदमी सरकार पर कब्जा नहीं कर लेता है और कहता है कि ठीक है मैं जहन्नुम जाने को तैयार हूँ उस दिन ऑल बेट्स आर ऑफ तो हमें क्या अलार्म होना चाहिए घबराना चाहिए डेफिनेटली नॉट क्या मेरे ख्याल से हमें प्रिपेयर करना चाहिए एंटिसिपेट करना चाहिए डेफिनेटली यस yes. uh, मेरे ख्याल से वाइज नेशंस वाइज लोगों जैसे सारे एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए तैयारी करके अपने अपने साधन तैयार करते हैं जी अगला सवाल आदित्य है जो कि हमारे मेंबर हैं पूछ रहे हैं कि शांति बनाए रखने और आतंकवाद का मुल्... मुकाबला करने में भारत की मदद करने के लिए भारत के प्रति नीतिगत दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री के रूप में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में कौन बेहतर है शहबाज शरीफ या इमरान खान या प्रधानमंत्री कोई भी हो भारत के प्रति नीति सेना ही तय करती है वो पूछ रहे हैं अब भारत के प्रति डेफिनेटली uh, सेना ही तय करती है और पूरा झगड़ा पॉलिटिशियंस का और सिविलियन लीडरशिप का यही रहा है क्योंकि सिविलियन लीडर्स ये चाहते रहे हैं कि उनका कोई से हो स्ट्रेटिजिक मैटर्स में जैसे कि पाकिस्तान के रिश्ते चाइना के साथ कैसे होने चाहिए भारत के साथ कैसे होने चाहिए और फ़ौज का एब्सल्यूट ये रहा है कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं इन मैटर्स को क्योंकि उनके लगता है कि मेन असर फ़ौज पर रहेगा नवाज शरीफ और ये हमें देखना चाहिए कि लेकिन हर प्रधानमंत्री और हर आर्मी चीफ का एक ट्रेजरी रहा है परवेज़ मुशर्रफ़ जब आर्मी चीफ बने तो बहुत हॉस्टाइल थे इंडिया पे कारगिल वॉर किया उसी परवेज़ मुशर्रफ़ ने फिर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बाद में प्रधानमंत्री मनमोहन के साथ सीक्रेट एक पीस प्रोसेस कहा किया जो कुछ लोगों का कहना है कि सफलता के बहुत करीब पहुंचा नवाज़ शरीफ के वालिद साहब जो थे इस्लाम पसंद ताकतों के साथ बहुत जुड़े हुए थे तबलीगी जमात के साथ गहरे रिश्ते हुए थे थे उनके नवाज शरीफ एक वक्त अपने आप बहुत पंजाब में फंडामेंटलिस्ट ग्रुपों के करीब रहते थे इलेक्शन में वही प्रधानमंत्री यहाँ तक भारत के साथ अमन के खोज में रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कि वो अपने तख्त को त्याग करने के हालत में आ गए बेनज़ीर भुट्टो ने एक टाइम पे बहुत भड़कीले भाषण दिए कश्मीर पे जब तक वो दूसरी बार वापस यूनाइटेड स्टेट से पाकिस्तान आई अनफॉर्चुनेटली उनका असैसिनेशन हो गया लेकिन इंडिया पे उनके बहुत व्यूज़ बदल गए थे तो मेरे ख्याल से ये हमें देखना नहीं चाहिए कि कौन प्रधानमंत्री बन रहा है या कौन नहीं बन रहा कौन आर्मी चीफ है कि नहीं है लेकिन ये देखना चाहिए कि उनके हालात क्या है इस वक्त मेरे ख़्याल से दो बातें अहम हैं पहली बात ये है कि जो भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा चाहे चुनाव जल्दी हो या थोड़ी देर बाद उनके सामने मेन मसला आर्थिक हालत पाकिस्तान की रहेगी दूसरी बात जो और, तो और इसलिए वो कोई ऐसे कदम नहीं लेना चाहेंगे मेरे ख्याल से जिससे और भी पाकिस्तान की हालत बिगड़े लेकिन दूसरा मसला उनके सामने रहेगा कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बहुत कंटेस्टेड रहने वाली है बहुत कांटे का मुकाबला रहने वाला है और कोई जो राष्ट्रवादी वोट है पाकिस्तान में क्योंकि एक राष्ट्रवादी वोट वहाँ एक कट्टर राष्ट्रवादी वोट है जैसे यहाँ है जी। कोई अपने दुश्मन पार्टी को ये मौका नहीं देना चाहेगा ये कहने के लिए कि देखो तो आप भारत के आ, समर्थक हो या भारत के कहने पे चल रहे हो तो कोई ज़्यादा करीबी भारत से भी दिखाना नहीं चाहेगा आ, भारत और पाकिस्तान का ऐसा कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है कि ट्रेड खोलने से पाकिस्तान की हालत सुधरेगी तो मेरे ख्याल से दोनों टेंशनस को लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे एक हाथ पे भारत के साथ अमन रखना चाहेंगे लेकिन अगर वो कोई बीच बीच में भड़कीले भाषण दे या कोई कश्मीर पे बातें करे तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए अगला सवाल अखिल का आ रहा है वो पूछ रहे हैं कि क्या अब भी किसी तरह से इमरान खान की जीत मुमकिन है अखिल मेरे ख्याल से कल एक शिकागो यूनिवर्सिटी में एक बहुत जाने माने प्रोफेसर हैं पॉल साहब ने एक अच्छा आर्टिकल लिखा है कहते, वो ये कहते हैं कि देखो फौज हालात को कंट्रोल कर सकती है तो उनने uh, 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 उदाहरण दिया थाईलैंड का जहाँ बार बार सरकारें डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आई हैं और क्योंकि फ़ौजों को वो सरकारें अच्छी नहीं लगी तो उन कर दिए Uh, लेकिन बार बार जब इलेक्शन होल्ड हुए हैं तो uh, जनतंत्र जनतांत्रिक जो पार्टियां हैं वो सामने आई हैं अभी थाईलैंड में एक बहुत यंग जनरेशन की पार्टी इलेक्शन uh, जीत के आई है और उससे जबकि जनरल ना खुश हैं लग रहा है उनको पब्लिक की कुछ हद तक बात माननी पड़ेगी अब स्टैंडी साहब का ये कहना है कि क्या कर सकते हैं जनरल आखिर वो दबाव डाल दे सकते हैं लोगों को डरा मार सकते हैं लेकिन आवाम उससे गायब तो नहीं होने वाली कहीं ना कहीं आपके को आवाम के साथ कुछ समझौता करना ही पड़ेगा चाहे जितनी ताकतवर फौज हो जी। आ, दुनिया के बहुत मुल्क हैं जहां फौजी राज दशकों के लिए चला है आ, लेकिन अंत में जाके जनतांत्रिक दबाव के का भोज फौज सह नहीं पाई आ, तो यहां भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ये जनरल समझते हैं और कई सारे जनरल इस वक्त भी जनरल आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ़ है उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान के साथ कहीं ना कहीं जाके कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा मेरे ख्याल से जबकि इमरान खान साहब टीवी पे अगर बहुत भड़कीले और बिना डरे कुछ कुछ तकरीरें दे रहे हैं वो भी कुछ अपनी चैनल चला रहे होंगे ये देखने के लिए कि कुछ बात निकल सकती है कि नहीं सरकार ये चाहेगी कि कम से कम सितंबर अक्टूबर तक आ, ये किसी तरह चुनाव आ, रुक जाए आ, ताकि चीफ जस्टिस तब तक कोई आ जाएगा जो शायद ज़्यादा सरकार पसंद होगा जी। आ, आर्मी में भी जनरल मुनीर कुछ अपॉइंटमेंट्स कर पाएंगे प्रमोशन दे पाएंगे जिनसे उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी मजबूत होगी एंड नेचुरली इमरान खान साहब दबाव डालते रहने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो बट कोई रास्ता ढूंढ लेंगे प्रॉब्लम यह है कि रास्ता ढूंढने से उनकी आर्थिक हालात ठीक नहीं होगी और आवाम में जो अब गुस्सा पैदा हो गया है फौज के खिलाफ पूरे सिस्टम के खिलाफ एक तरह से नॉट जस्ट आर्मी से बट पूरे एक, एक करप्ट सिस्टम से स्पेशली यूथ में वो खत्म नहीं होगा अगला सवाल आदित्य का है जो कि हमारे मेंबर है पूछ रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के अन्य देशों की तुलना में पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट इतने आम क्यों हैं क्या इसकी कोई खास वजह है Uh, आदित्य जी ये इंटरेस्टिंग uh, एक क्वेश्चन है जो शायद मैंने एक बार पहले आपसे डिस्कस किया था इसी प्रोग्राम में एंड थैंक यू इस प्रोग्राम को देखने के लिए अगेन uh, ये कहा जाता है या कई एक्सपर्ट्स uh, का ये विचार है कि जबकि भारत में कांग्रेस uh, पार्टी का पूरे मुल्क में या मुल्क के मोस्ट uh, एरियाज में कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत होल्ड था आज़ादी के बाद अब पाकिस्तान मूवमेंट सबसे हाइट पे था यूनाइटेड प्रोविंसेस में जो आज मोटा मोटा उत्तर प्रदेश uh, माना जाता है जी। um, और जो पाकिस्तान आज के पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान में जो एरिया uh, है उसमें मुस्लिम लीग का कोई ज़्यादा होल्ड नहीं था um, तो पार्टियाँ उस तरह और सिविलियन लीडरशिप शुरू से उस तरह मजबूत नहीं हो पाई जिस तरह भारत में वो बन पाई उसके कोई जड़ नहीं थे uh, अपने नए देश में um, उसके वजह कुछ ही सालों बाद देश को संभालने के लिए पॉलिटिशियंस ही फौज को फ़ौज की मदद मांगने लगे और एक बार जब खून का आ, स्वाद ले लिया था फ़ौज ने तो पीछे तो हटने नहीं वाला था आ, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि और कई मुल्क हैं साउथ एशिया में जहाँ ऐसे हुआ है बांग्लादेश में आखिर एक बहुत पॉपुलर लीडर एक आज़ादी का जंग लड़के वहाँ सामने आए शेख मुजीबरहन कुछ सालों के अंदर फ़ौज ने उनको उनके और उनको मर्डर कर दिया और उनकी पार्टी ख़त्म कर दी कई सालों के लिए आ, नेपाल में आ, आर्मी आ, 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 का बहुत टाइम टाइम पे इन्फ्लुएंस रहा है अलग अलग रूपों में श्रीलंका में जबकि ये आर्मी कू का रिवाज नहीं रहा है नहीं। आर्मी की इन्फ्लुएंस जरूर रही है शायद मेरे ख्याल से एक तरह से कहा जाता है कि सब कॉन्टिनेंट में भारत एक्सेप्शन है जिसमें आर्मी का उतना कभी सामने इन्फ्लुएंस नहीं रहा नहीं। क्योंकि हमारी पार्टियाँ जनतांत्रिक पार्टियाँ बहुत मजबूत है और इन दशकों में उस उनके जड़ और गहरे हुए हैं अगला सवाल भी हमारे एक मेंबर का है वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि अगर इमरान खान को प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है तो सेना बहुत कमजोर हो सकती है और उसकी छवि भी खराब हो जाएगी क्योंकि इतनी कोशिशों के बावजूद वे इमरान खान को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए अगर मैं जनरल आसिफ मुनीर होता तो शायद मुझे जरूर यही लग रहा होता कि देखो पाकिस्तान में बहुत बार लोगों को नाराज़गी हुई है फ़ौज से आखिर जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी तो ये कहते हैं कि गुस्से का लहर पूरे पाकिस्तान में था परवेज़ मुशर्रफ़ के ख़िलाफ़ जनतांत्रिक मोर्चा बहुत बड़ा चला पर कभी ये हालत नहीं हुई है कि लोग कोर कमांडरों के घर में घुस घुस के मोर और स्ट्रॉबेरी और नहीं क्या क्या ले गए हैं जनरल हेड क्वार्टर्स लोगों ने हमला किया है और ये भी देखो कि जो वो लोग uh, हमला कर रहे थे कोर कमांडर के घर में उनमें एक फॉर्मर आर्मी आम, चीफ जनरल uh, जंजुआ की पोती थी uh, मतलब ऐसे समाज के स्टेटस वाले लोग थे uh, जो ऐसे कर रहे थे तो डेफिनेटली आर्मी चाहेगी कि अपना इकबाल दोबारा बनाए uh, इकबाल बनाने का एक ये तरीका है कि डंडा चलाया जाए Uh, जो मेरे ख्याल से आसिम मुनीर साहब लेफ्ट टू हिमसेल्फ वही चाहते 19 लोगों को अब आर्मी कोर्ट के सामने पेश करने की बात चल रही है उनका ट्रायल आर्मी में ही होगा uh, लेकिन इकबाल सरकार के बनाने का एक दूसरा तरीका है भी है कि आवाम की ग्रीवेंसेस को अड्रेस किया जाए और आर्मी के अंदर ही बहुत लोग मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं कि ये जो हमने देखा कोर कमांडर के घर या जनरल हैड के यहाँ Uh, यही सेंटिमेंट्स आज फौज के uh, मामूली जवान या छोटे अफसर इनमें भी यही जज्बात है ये लोग जो पत्थर फेंक रहे थे फौजियों पे और पुलिस पे uh, उन्हीं के बेटे हैं uh, आखिर और uh, शायद विजडम इसी में रहेगा uh, कि फौज अब कुछ कोशिश करे uh, पब्लिक के साथ अपना रिश्ता ठीक करने में आखिर पब्लिक की क्या ग्रीवेंस है कि देखो पाकिस्तान को आपने ये ढलान में उतार दिया है आ, आ, लेकिन आपके अपने प्रिविलजेस सारे कायम हैं आप इतना मतलब अमीर जादू का लाइफ लीड कर रहे हैं आ, सीनियर ऑफिसर्स और आ, बड़े अधिकारी और अब आपको साइड हट के हमारे मसलों का कुछ सुधार करना चाहिए प्रवीण आज का आखिरी सवाल लूँगी सीमा पूछ रही कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर कुछ ईरानी सैनिक मारे गए हैं और ईरान ने ये कहा है कि उनके सबर की भी सी, सीमाएं हैं इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। सीमा जी इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं और शायद इसके इम्प्लिकेशन काफ़ी हो सकते हैं कई सालों से नाइन इलेवन के वक्त से कुछ आ, कट्टरपंथी ग्रुप्स हैं इस्लामी कट्टरपंथी ग्रुप्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में पना ईरान पे हमला किया है ये कई बार हुआ है आ, लेकिन सिर्फ कट्टरपंथी ग्रुप नहीं है बहुत ऑर्गेनाइज ड्रग स्मगलिंग माफिया हैं ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं अलग अलग प्रकार के क्रिमिनल एंटरप्राइज़ेस भी हैं तो अभी तक पक्की खबर वहाँ से निकल नहीं रही है बहुत रिमोट एरिया है आ, पाकिस्तान आ, अफगान ईरान बॉर्डर के अफ़गानिस्तान के करीब पक्की खबर नहीं निकल रही है लेकिन लग रहा है कि किसी जिहादी तंजीम ने हमला किया उसमें कुछ ईरानी सैनिक कैद किए गए और फिर शायद एग्जीक्यूट कर दिए गए या लड़ाई में मर गए आ, ये पहली बार नहीं हुआ है 2019 में आ, हुआ था कुछ उस टाइम इंसिडेंट्स हुए थे आ, जिसमें आ, पाकिस्तान ने भी ये आरोप लगाया था कि ईरान बलोच इंसर्जेंट्स को या, या बलोच राष्ट्रवादी जो मूवमेंट है उसको पना दे रही थी दोनों मुल्क ने एक दूसरे के खिलाफ एक कार्ड बॉर्डर पर प्ले किया है लेकिन इस वक्त बॉर्डर वैसे ही अनस्टेबल है शरणार्थी बहुत अफगानिस्तान से जा रहे हैं ड्रग्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया और उसके ऊपर ये भी देखना चाहिए कि जब पाकिस्तान में जैसे जैसे ये सियासी तमाशा चला है तो उसकी सिक्योरिटी हालात भी लगातार बिगड़ते बिगड़ते आई है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में नेचुरल गैस की ड्रिलिंग साइट्स पे दो जगह हमले हुए हैं और एक जगह शायद उनको टेम्परली गैस का प्रोडक्शन ख़त्म कर देना पड़ा इतना सिक्योरिटी रिस्क हो गया था और कल ही मैं देख रहा था कि उसी एरिया में खैबर पख्तूनख्वा में जहादी ग्रुपों ने एक लड़कियों का स्कूल उड़ा दिया था अच्छा। तो बहुत सारी चीज़ें पर्दे के पीछे वहाँ हो रही हैं तो ये भी याद रखना चाहिए कि इस वक्त जैसे हम सियासी ड्रामे पे कंसंट्रेट करते हैं पाकिस्तान में जहादी तनजीमें जहादी ग्रुप ताकत उनकी बढ़ी जा रही है रोज़ और शायद अब ईरान में ये ईरान में ये पहला निशाना निकले कि ये ग्रुप्स पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है इस वक्त ऑब्वियसली पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि ईरान के साथ उसका रिश्ता बिगड़े लेकिन अगर वो अपने जिहादी क्लाइंट्स को कंट्रोल नहीं कर कर पा रहे हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके हमले माउंट करने लग गए हैं

हमें भेज सकते हैं तो हमें अपने सवाल जरूर भेजिएगा हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद